दोस्तों, ARJ इंडिया का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी प्रोडक्ट जो कि एक कार इमरजेंसी किट है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पैकेज मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है और इस पैकेज के लिए मैंने पे किए हैं 1630 रुपये। दोस्तों, 1630 रुपये मुझे वाजिब कीमत लगी क्योंकि इस पैकेज के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स हैं और उनकी इंडिविजुअल कीमत को भी अगर मिलाएं तो वो लगभग 2500-3000 रुपये के आसपास है। मैं इसे जल्दी से अनबॉक्स कर देता हूँ आपके लिए। दोस्तों, इमरजेंसी कार किट्स ना हर गाड़ी के लिए ज़रूरी है क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं होता कब कौन सी गाड़ी ब्रेक डाउन हो और किस स्थिति में ब्रेक डाउन हो। आप कहीं ज़रूरी राइड पे निकले हैं और पता पड़ा गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलती है, सिक्योराइड की ब्रांडिंग है और यहाँ पे कंटेंट्स की डिटेल, कार्ड, टोरो, चंपर केबल, ट्यूबलेस टायर रिपेयर किट। अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस, और एक्सट्रीम नीचे की तरफ देखते हैं तो ये मिनी एयर इन्फ्लेटर आपको दिखता है। 2350 रुपये इस पूरे एक पैकेज की कीमत है और ये मेड इन चाइना है। अभी भी एक पॉली फिल्म बच जाती है उतारने को। आइए इसे जल्दी से उतार लेते हैं। दोस्तों, जो बॉक्स है वो काफ़ी अच्छा है और इसे सारी चीज़ें सेफ रहेंगी इस बॉक्स के अंदर, और शायद ये खुलने वाला बॉक्स है। आइए इसे जल्दी से खोल लेते हैं। सारे कंटेंट्स अब विजिबल हैं, आप खुद देख सकते हैं। इसमें ऊपर की तरफ येलो कलर कार टो रोप है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं जम्पर केबल्स हैं बैटरी की, और राइट हैंड साइड में आपको मिलती है रिपेयर किट। यहाँ जिप के अंदर हम देख लेते हैं, जिप के अंदर भी कुछ चीजें हैं। दोस्तों, ये वीक सील है, और अगर बात करते हैं इस ट्यूब की तो ये ट्यूब जो है वो रबर सीलेंट है और ये यूजर मैनुअल हाउ टू रिपेयर टायर, इसे बाद में पढ़ते हैं। रबर सीमेंट करके इस पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक छोटी सी नाइफ मिल जाती है हमें, जिससे हम एक्स्ट्रा सील को काट सकते हैं अपने टायर के ऊपर से या फिर और किसी काम में ले सकते हैं। अगर बात करते हैं टूल की तो टूल्स काफ़ी मजबूत है। इससे हम टायर के अंदर छेद करके जगह बनाते हैं ताकि हम सील को अंदर डाल सकें। और ये सील को डालने के लिए अंदर, अगर मैं इस टूल की बात करूं दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, पकड़ काफ़ी अच्छी है। जो बिल्ट क्वालिटी है बहुत ही टिकाऊ है और हर चीज़ को टाई करके रखा गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कोई भी चीज़ कहीं इधर उधर नहीं जाएगी ड्राइविंग के दौरान भी। अब देख लेते हैं मिनी एयर इन्फ्लेटर को। इसमें भी आपको सिक्योरिटी की ब्रांडिंग मिलती है और यहाँ पे कुछ डिटेल्स मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। अगर इस इंडिविजुअल एयर इन्फ्लेटर की बात करें तो ये 950 रुपीज़ का है। आइए इसे खोल लेते हैं।
दोस्तों ऊपर की तरफ एलईडी लाइट आप देख सकते हैं। इसके साथ भी यूजर मैनुअल है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। इसको फिर कभी पढ़ते हैं। आइए अभी से जो इसकी मेक है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और ये लगभग 300 ग्राम्स के आसपास है। और जैसा कि आप एनालॉग मीटर के ऊपर देख सकते हैं, ये 80 PSI तक एयर फिल कर सकता है। यहाँ पे LED के लिए आपको स्विच मिलता है टॉप की तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर से कनेक्ट करने के लिए हमें पॉइंट मिलता है। अगर इसकी बात करते हैं क्वालिटी की, तो ये काफ़ी अच्छा है, ये इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। पीछे कुछ हमें फिलिंग टूल्स मिले हैं, ये एयर फिल करने के लिए है। आइए इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये दो अटैचमेंट्स हैं जो सीधे फिलिंग पॉइंट में कनेक्ट हो जाएंगी। इसे हम बड़ी चीज़ों में हवा भर सकते हैं, और दूसरे से हम फुटबॉल में या फिर कुछ फुटबॉल से मिलती जुलती जो चीज़ें हैं उनमें हवा भर सकते हैं। अगर केबल लेंथ की बात करते हैं तो केबल लेंथ मोर देन सफिशिएंट है, ये चारों टायर्स तक जो है आराम से पहुंचेगी। इसको हम चार्जर पॉइंट में, जो सिगरेट लाइटर पॉइंट है, वहाँ हम प्लग इन कर सकते हैं। लाइट अच्छी खासी बड़ी है और ये ब्राइट भी होगी। पीछे की तरफ हम वायर को कलेक्ट कर सकते हैं। इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। दोस्तों टू रोप को एक बार देख लेते हैं। हर चीज प्रॉपरली पैक की गई है। दोस्तों मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि इस टू रोप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये स्ट्रेचेबल है, और ये मेटल के जो हुक्स हैं ये बहुत हैवी हैं, ये फ्लेक्सिबल नायलॉन है। और इसकी टोटल लेंथ जो है वो 4 meters है। दोनों अगर हुक्स की बात करूं तो दोनों ही हैवी हैं। अगर स्टिचिंग की बात करते हैं तो स्टिचिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये अच्छे से स्टिच किया गया है। और इसकी जो टोइंग कैपेसिटी है वो 2 tons बताई गई है। ज़्यादातर सेडान या हैचबैक जो हैं वो 2 ton के अंदर ही आती हैं, तो इससे टो करने में आसानी होगी। अब हम जंपर केबल्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों जंपर केबल मुझे सबसे ज़रूरी प्रोडक्ट लगता है, क्योंकि जब भी कोई ज़्यादा वक्त से खड़ी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो जंपर केबल की सहायता लेनी ही पड़ती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो क्लिप्स मुझे हल्की लगी, ये कॉपर क्लिप्स हैं, ये कुछ हल्की हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मोटिव को पूरा करेंगी। केबल बहुत मोटी इस्तेमाल की गई है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्लिप को थोड़ा हेवी बनाया जा सकता था, क्लिप थोड़ी हल्की मालूम होती है। मैं इसे रिमूव करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ जो केबल है वो टच करती है
इस कॉपर क्लिप को। और सेफ्टी के लिए आपको ऊपर से पैड्स मिलते हैं। अगर दोस्तों लेंथ की बात करते हैं इसकी, तो जो इसकी लेंथ है वो बताई गई है 6 फीट, लेकिन ये मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा कि ये हर एक यूनिट का है, यानी अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव 3 फीट का है, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव भी 3 फीट का है, यानी टोटल ये 6 फीट है। यहाँ पे आप लेंथ मैंने आपको दिखाया, जो केबल क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, और मैं चाहूँगा कि जो क्लिप की क्वालिटी है, जो चिमटे हैं, इसकी जो वेट, जो इसकी थिकनेस है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, ये थोड़ी हल्के मालूम होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये मेरे मोटिव्स को पूरा करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और इससे संबंधित जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में छोड़ रहा हूँ, और अगर आपको बाय करना है तो आप बाय भी कर सकते हैं वहाँ से, फ्लिपकार्ट लिंक भी मैं आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।